अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये रही पूर्णिमा अपने आप को धूप से बचाते हुए, ये रहा मोमेंट। आज मैंने पहना है दिस लाइट पिंक कुर्ता विद ब्लैक सलवार एंड दिस ब्लैक ब्यूटीफुल बिंदी, सो आई लाइक दिस। और ये आ रहे हैं हमारे पीछे से बड़ी सी गाड़ी जो कि बार बार हॉर्न दिए जा रहा है, पता नहीं इतना नॉइज़ पॉल्यूशन मुझे पसंद नहीं। और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल, इन दोनों की टांगें बहुत लंबी लंबी है तो ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और ये दोनों जा गए। ये सिर्फ कैमरा में आने की एक ट्रिक होती है। ये जा रही है बरौनी, ये जा रहा है बलिया और मैं जा रही हूँ मिठी आनी, बहुत अच्छी सी जगह। ओके बाय, आगे की अपडेट देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिक्शा में मिली मुझे एक मैम जो कि मुझे जानती थी और मेरी फैन भी थी, मैंने इनसे सब्सक्राइब भी करवाया। मैं आ चुकी थी पीएससी और पीएससी में मैं ढूंढ रही थी कालू को और ये क्या मुझे कालू दिख गया। आज पीएससी में चलने वाला था प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान और ये क्या यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा भीड़ और एनएम की हंसी मजाक में ये काम चल रहा था। यही बीच में कालू मुझे खींच कर ले गया और उसे चाहिए थे बिस्किट और ये क्या मैं भी हूँ मुझे भी दो और मैंने इन दोनों को खूब अच्छे से खिलाया और इसके बाद भी इन दोनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। चचा को देख के ध्यान से, ये मिल रहे थे इन जैसे इंटरनेशनल चचा। मेरी फेवरेट प्लेस भी जहाँ मुझे मिलती है शांति, सिनेमा वाली शांति नहीं दिमाग वाली शांति। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा पिया है पानी क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और गर्मी भी हो गई आज, कल का मौसम बहुत ही अच्छा था यार, आज का मौसम नहीं है उतना अच्छा पर अच्छा है फिर भी अच्छा है। तो अभी मैं पी रही हूँ पानी और थोड़ा सा कर रही हूँ रेस्ट क्योंकि मुझे इंतज़ार है कन्हैया का, कन्हैया जी का जो कि है यहाँ पे डाटा ऑपरेटर, जिनसे मुझे करनी है बात, जिनसे मैं कल बात नहीं कर पाई पर वो अभी तक आए नहीं हैं, मतलब वो किसी काम में व्यस्त हो गए हैं तो मुझे उनका इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हम उन्हें ऐसे जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये वाली आँख मेरी थोड़ी थोड़ी मोटी लग रही है ना, हाँ प्रॉब्लम हो गई है कुछ ना कुछ, तो मुझे भी फील हो रहा है पर मैं फिर भी खूबसूरत लग रही हूँ। हर इंसान खूबसूरत और मैं तो खूबसूरत हूँ मैं खूबसूरत भाई। थोड़ा ज्ञान देने के बाद मैंने बनने की कोशिश की इंटेलेक्चुअल, जिसमें मैं हो चुकी थी। अब मेरे पास आ चुकी थी मिठी, मिठी के साथ मैंने खेला और उसे मैंने कहा बाय बाय। ऑपरेटर का वर्क मुझे पता चल चुका था और अब कन्हैया जी के साथ सेल्फी लेने के बाद मैंने उनका और ज़्यादा काम देखा जिसे मैंने समझा भी। कन्हैया जी को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट कराया, जिसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया मैंगो शेक जो कि था टेस्ट। निकलते वक्त मुझे दिखे कालू और भूरी और मैंने उन्हें कर दिया बाय और खाली था पीएससी और पीएससी से निकलने के बाद मैंने सबको करते हुए बाय बाय निकल गई। धाकड़ लड़की ने ठोक दिया था लड़के को। मैं आकर पता चला कि यहाँ तो बारिश हुई ही नहीं और मैं टहलते हुए पहुँच चुकी थी अब घर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं जिम, ये रही हमारी पूर्णिमा। आज हम हो गए हैं और ज्यादा लेट, मुझे नहीं लगता कि हमारा 5 बजे वाला प्लान कभी भी पूरा हो पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम लेट हो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। तो आज का रीजन वर्क क्योंकि हम लेट हो गए हैं, तो जा रहे हैं बस जल्दी जल्दी। और अभी मेरी मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई है, उसके बाद थोड़ी सी सांस लेके मैंने ब्लॉग बनाना किया है शुरू क्योंकि ये भी है इम्पॉर्टेंट। तो जिम जाके आज हमने सोचा कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि ना वेट में कुछ मुझे लग नहीं रहा, तो इसने मुझे बोला कि एक हफ्ते में अगर तूने थोड़ा भी वेट कम किया तो ये मुझे देगी पार्टी, करके दिखाएंगे पार्टी लेंगे पार्टी। मैं था घर वापसी का और हम गए थे तक और यहाँ हूँ हमारा ब्लॉग। बाय बाय, थैंक यू।